अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आसिफ। वेलकम टू आसिफ गेमिंग। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पर मैं लैंड कर रहा था प्रिजन के पास है ये क्ले लैंड पर मैं लैंड कर रहा था। ये हॉट ड्रॉप यही बन रहा था। तो यहाँ पर कई दोस्त क्वाड आने वाले हैं और हमारे किल बहुत चोरी होंगे। अभी आप देखते जाइएगा। यहाँ पर मैं इसके ऊपर उतरने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पर मैं उतरा हूँ गाइस। देखो अभी एमो शो हो रही है और गन नहीं शो हो रही। चेक कीजिएगा ज़रा। ये पबजी वाले सच में हमारे साथ ही खेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे AK मिली। यहाँ दो बंदे उतरे, इनका एक बंदा मैं नॉक कर दूँगा और ये वाला किल मुझे चोरी हो जाएगा। गाइस ये चार लोग थे ना, इनमें से सिर्फ एक किल ही मिली। ये वाला बंदा बच गया बस। इनके पास गन वगैरह आ गई थी, मैंने कहा चलो हेलमेट वेस्ट वगैरह इसके बाद लूट कर। यहाँ पर मैं हेलमेट वगैरह ले रहा हूँ। ये बंदा रिवाइव, ये वाला बंदा जंप करके ऊपर जा रहा था, इसने पता नहीं देखा नहीं मुझे या फिर क्या सीन था, मैंने हवा में इसे नॉक कर दिया। अच्छा तो ये वाला स्क्वाड वाइप मुझ पर रश कर देगा। अभी देखना हम कैसे एक स्क्वाड वाइप करते हैं। वन नॉक, सर जी किधर, हम इधर हैं सर जी, सर जी हम इधर हैं। अब इनका तीसरा बंदा गाइस पता नहीं वो क्या नशे में था या नींदों में था, वो ओपन में ही आ गए। ये वाला स्क्वाड वाइप हो गया गाइस। फिर हमने तीन बंदे नॉक किए थे ना स्टार्टिंग में, उनमें से सिर्फ मुझे एक ही किल मिला। ये आई थिंक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। वो जा गाड़ी कितनी गोली आएगा। अच्छा गाइस ये वाला बंदा ना गाड़ी लेके आया था, लेकिन ये बाद में प्रिजन में लूट करने के लिए चला गया था। उसके बाद फिर ये वहाँ से शायद इसकी गाड़ी वगैरह पंचर हो गई कोई चीज़ में, ये भाग के गाड़ी की तरफ जा रहा था। अब इसकी गाड़ी मैं ले लूँगा और इसकी फिर हम लूट करेंगे। यहाँ मैं गाड़ी लेके आया था, यहाँ पर एक बंदा होगा गाइस, ये देखना इसके सस्ते नशे चेक करना। पता नहीं इसका नेट स्लो चल रहा था क्या सीन था। मैंने स्मोक किया ताकि वो डर जाए कि नेड और वो जंप कर दे नीचे, लेकिन वो कुछ और ही सोचने लग गया वो। बाकी देख रहा था टीममेट नहीं था। आई थिंक दो बंदे थे वो आ रहे थे बगी लेके, शायद वो इसके टीममेट्स होंगे। अभी देखने गए थे वो आने लगे थे, शायद उसका जो ऊपर टीमें बढ़ा जिसको मैंने डैमेज दिया, वो कह रहा होगा भाई निकल निकल यहाँ से, ये मैं बहुत डैमेज हूँ। वो दोनों भाग गए, ये लास्ट बुलेट भी इसको लगी थी। फिर इसके बाद मैं इनके पीछे आया, इनकी बग्गी यहाँ पर पड़ी थी लेकिन वो नज़र नहीं आए मुझे। मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा, ट्राई कर रहा था, शायद सांप बन गए थे। स्नेक बहुत बनते हैं ना गाय जी इस गेम में, जहरीले स्नेक। जोन भी आ रहा था तो मैंने देख, ये देखो ये रहा, ये गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ी है और ये बंदा नॉक नहीं हुआ। मेरे साथ दो बार होगा आई थिंक, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, अभी दूसरी बार भी होगा। ये बंदे के ऊपर चढ़ गया। ओ भाई कहाँ जा रहा है तेरा, ये होते हैं गाइस धोखेबाज लोग। अरे भाई अपने टीममेट को छोड़ के भाग रहा था तो बग्गी लेके, यार कुछ तो शर्म करो।
ये बंदा गाइस जोन से डैमेज था काफ़ी ज़्यादा और मेरी दो तीन बुलेट्स में नॉक हो गए। यहाँ मैं पुचिंग की आया था, पुचिंग की आया था मैं यहाँ पर। मैं बंदे ढूंढ रहा था पर ये देखिए ये बहुत गंदा गाइस मेरा हेड पड़ा। अभी मैं यहाँ पर हील वगैरह करके इनकी रश करने जा रहा। ये गाइस बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये वाली ना, इससे मैं स्क्वाड करने की ट्राई कर रहा था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वो बंदे निकल रहे हैं, यहाँ पर सच में मुझे एक्सटेंडेड की ज़रूरत है। अगर एक्सटेंडेड होता ना एक नॉक हो जाता और दूसरा भी फंस जाता है। उसके बाद गाइज मैं निकला यहाँ पर, गाड़ी मेरे फ्यूल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर ना मुझे एक बंदा नज़र आया था, मैं वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ। तो लेकिन वो एयर ड्रॉप लूटने गया तो बाद गाड़ी लेके निकल गए। वो मुझे लगा एक ही बंदा है लेकिन वो पूरा स्क्वाड था। अभी देखना ये गाइस ये मुझे स्क्वाड बहुत तंग करने वाला है। मैं यहाँ पर एंगल लेने की ट्राई कर रहा था, वो लोग उस रिज के पास हैं। तो यहाँ से ना बहुत ही कम नज़र आते हैं, हल्का से देखना पड़ता है, दूर होते हैं। अगर उनके पास स्नाइपर हो तो आप ईजीली डैमेज हो सकते हैं। वो देखिए गाइस डैमेज देने की मैंने काफ़ी ट्राई की लेकिन वो नॉक नहीं हुआ, दो बंदे थे। मैंने सोचा चलो दूसरी बिल्डिंग में जाके एंगल चेंज करते हैं। ये पता नहीं, आई थिंक इन्हीं की स्क्वाड का बंदा था ये इधर आ गया था साइड पर, शायद कवर लेके मुझे मारने की ट्राई कर रहा था। एक मैंने नॉक किया लेकिन उसने काफी डैमेज दे दिया था मुझे। ये भाई पता नहीं क्यों हेड पे खाने के बाद भी नॉक नहीं हुआ। ओ भाई साहब, ये भाई गुस्सा कर गए थे। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ना इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और इनका ना जोन ब्लॉक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी बग्गी निकाली और मैं दूसरी साइड पर आके ना मैंने इनका जोन ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था। अभी देखना जोन की तरफ भागे आ रहे होंगे पैदल, पता नहीं इनकी गाड़ी में क्या हुआ था। मुझे पीछे वालों को काफ़ी डर था क्योंकि वो ड्रॉप मेरे साथ ही गिरा हुआ था और ड्रॉप पे उनकी नज़र थी। ये बंदा पता नहीं क्यों सांप बन के भाग लेट रहा था, सरक रहा था, रेंग रहा था। और दूसरे वाला भी उसको कवर देने के लिए आ रहा था। अभी थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला पता नहीं किस पे फायर कर रहा था, वो मुझे लगता है उसने भी कोई सस्ता नशा कर रखा। अभी देख, इसको फिनिश किया मैंने, कहा चलो ये रिवाइव हो जाएगा तो तंग करेगा बाद में। और यहाँ पर हमने दूसरा स्क्वाड भी वाइप कर दिया। ये गाइस यहाँ पर ना मुझे मेरी फेवरेट गन मिलने वाली है, अभी देखिए। मैंने कहा जाते जाते एक ड्रॉप में नज़र मार लेते हैं। और ये देखिए गाइस MK जो है ना ऑटो पे तो तबाही है, जहर है। यहाँ पर वो उन लोगों को मैं नज़र आ गया था, मैंने कहा चलो निकलते इससे पहले मेरी गाड़ी के टायर पंचर कर देंगे और मैं फिर भागते भागते ही फंस जाऊँगा। यहाँ पर गाइस मुझे एक एंगल मिला, मैंने कहा सोचा ब्रिज का कवर लेके ना उनको मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो लोग पीक नहीं कर रहे थे। अभी देखें पता नहीं कहाँ देख रहा था वो बंदा लेकिन बच गया। अभी पीछे भी मुझे डर था, फिर एक लेफ्ट पे मुझे बंदा भागता हुआ नजर आएगा। मैंने सोचा कि हम तो हैं खेल के भूखे, तो हम पहले जाके उसे फिनिश करेंगे, इनको बाद में देखते हैं।
यहाँ पर मैं जल्दी से, मुझे पता था कि वो सोलो बंदा है, उसको मारना इजी होगा। मैंने कहा पहले इसको ज़्यादा फिनिश करते हैं फिर उनको देखते हैं बाद में। सीधा उसके पास ही गया। ये देखो भाई, ये दूसरी दफ़ा हो गया कि गाड़ी ऊपर चढ़ाई है और लेकिन वो नॉक ही नहीं हुआ। इसमें मेरा लक अच्छा था कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं हुआ, वरना मैंने फौरन बग्गी बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है। तो मुझे दो तरफ से कर, मुझे ये नहीं समझ आया इन्हीं के स्क्वाड का बंदा इस लेने क्या आ रहा था। ये भाई कमाल, लास्ट बंदा इनका, दो बंदे इनके मैंने एक मिथिल कर दिया एक नॉक कर दिया, लास्ट बंदा ऊपर था भी। लास्ट बंदा बस ऐसे ही सस्ते नशे करके फिर रहा होगा। देखो पता नहीं क्या सोच रहा था। और भाई साहब हमारा डिनर चिकन डिनर 19 किल्स के साथ हमारा चिकन डिनर हो गया। गाइस होप आप सबको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक और ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वॉइस अगर अच्छा लगा कैसा लगा, मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए क्या चीज़ कम करनी चाहिए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।